हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत फरवरी 2021 में ट्रू फॉल्स पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है, हम इसे काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर काउंटर एग्जांपल के रूप में हम इस सिस्टम को दिखा देंगे। 2x + 3y + z = 0, x - y - z = 0, 4x + 6y + 2z = 0। ठीक है, यह एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, लिख देंगे दिस सिस्टम हैज नॉट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन बट ऑल्सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2, 3 -5 -4, 6 -10, मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर इस सिस्टम का हमें यहाँ पर एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिलता है, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0। ठीक है, यानी 0, 0, 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है, और इसके अलावा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के रूप में ये सभी हैं। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन ही नहीं होगा बल्कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है दूसरा स्टेटमेंट, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 1, 1। तो हम यहाँ पर इसका आइगन वैल्यूज निकाल कर देखेंगे। लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सहारा लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज में, ठीक है, लेमडा को माइनस कर देंगे, बाकी एंट्री एजिटी जी रहेंगे, तो इज इक्वल टू 0। फिर इसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 - λ × 1 - λ, 1 - λ² फिर -1 × 1, 1 = 0। इसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पर लेमडा के रूप में, लेमडा इज इक्वल टू क्या, 0.2। यही क्या है, लेमडा ही आइगन वैल्यू है। तो इसलिए जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, आइगन वैल्यूज के रूप में क्या है, 1 और 1, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, इफ़ v1 v2 v3 इज अ सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देन सो इज v1 + v2 v2 + v3 v3 + v1। यह सेट भी जो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का एक सेट है, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दिखाना होगा कि ये तीनों जो एलिमेंट हैं इस सेट के, ठीक है, ये तीनों ही आपस में मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, या हम यह दिखा दें कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 हमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे एग्जांपल के द्वारा शो कर देंगे। हम यहाँ v1 v2 v3 के रूप में 3i 4j और 5k ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी वैक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमें 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि v1 v2 v3 का जो सेट है वह म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर यह दिखाएंगे कि इस सेट में जो है हमें म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए यह जो है सेट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट नहीं है। ठीक है, तो नाउ v1 + v2 × v2 + v3 हमें क्या प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 16, जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर होने के लिए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने के लिए हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम इन दोनों का भी देखते हैं, v1 + v2 × v3 + v1, यहाँ पर भी हमें 9 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से v2 + v3 × v3 + v1, वहाँ भी हमें क्या आ रहा है, 25, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों वैक्टर जो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वैक्टर्स नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, यहाँ हम लिख देंगे सो v1 + v2 v2 + v3 v3 + v1 आर नॉट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट है, द ऑपरेशन स्टार डिफाइन बाय a * b इज इक्वल टू साइन ए बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए स्टार को हमें क्या होना चाहिए, अगर ए बी n से बिलोंग करता है तो यहाँ पर साइन ए बी को भी n से बिलोंग करना चाहिए, मतलब इसका मान भी n से बिलोंग करना चाहिए, जो कि हर केस में संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टेकिंग a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3, तो a * b इज इक्वल टू 10 * 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा 10 × 3, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता है। सो द ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन
हैंज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन माइनस ए इज स्क्यू हर्मिशियन। तो हम यहाँ पर पहले एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में ले लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन इसका हम निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, हमें दिखाना है कि यह एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हमें कंजुगेट ट्रांसपोज जो है दिखाना होगा, वह ए का निगेटिव है। ठीक है, ए का निगेटिव है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव। तो यहाँ पर कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ माइनस से हमें क्या प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या देखते हैं कि यह जो मैट्रिक्स अब हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, वह क्या है, मैट्रिक्स ए ही है, तो इज इक्वल टू माइनस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ठीक है, निगेटिव है, इसलिए माइनस ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, सो माइनस ए इज स्क्यू हर्मिशियन, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।